के शो बिला में हलीमा सादिया आपको खुश आमदी कहती हूँ आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज के शो में सबसे बड़ी खबर इंडिया कैनेडा तालुकात में मजीद बिगाड़ के हवाले से है भारत ने अपने छह टॉप डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया जबकि कनाडा का कहना है कि उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स को परसोना नॉन ग्राटा करार दिया था पाकिस्तान में एस समिट के लिए हाई अलर्ट सिक्योरिटी की सूरत हाल है एस समिट के ऊपर पीटीआई प्रोटेस्ट और पश्तून जर्गे के ऐलाना के बादल छाए हुए हैं उधर मिडल ईस्ट में इसराइल हिजबुल्ला की जंग शिद्दत पकड़ती जा रही है ट्रंप पर कातलाना हमले का तीसरा मंसूबा पकड़ा गया है इन सब गर्मा गर्म, गर्म खबरों पर हम बातचीत करेंगे तो चलिए हम आज की बातचीत का आगाज करते हैं अक्टूबर को, को वापस बुलाने की खबर पहले सामने आई फिर कनाडा का एक बयान आया कि हम भारत के छह टॉप डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर रहे हैं तो ताहिर साहब असल कहानी क्या है देखिए असल कहानी का तो बाद में पता चलेगा कि किसने अपने डिप्लोमेट्स ख़ुद निकाले या किसने एक्सपेल किए लेकिन असल कहानी इन दोनों से बड़ी ये है कि तल्लकात जो बहुत ख़राब थे पिछले साल सितंबर में जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एक बम शल अनाउंसमेंट की थी कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर कि हरदीप सिंह निजर के कत्ल के पीछे भारतीय हुकूमत का रोल है ये उसी तरह की बमशल ख़बर है जो आलमोस्ट एक साल बाद दोबारा हम देख रहे हैं और ये बड़ी अजीब व गरीब ख़बर है क्योंकि इस ख़बर के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय डिप्लोमेट्स जो हैं वो कुछ यहाँ क्राइम्स में यानी कैनेडियंस के ख़िलाफ़ क्राइम्स में थे अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है मेरे लिए आ, इस सारे सिनेरियो में अभी कुछ महीने पहले कैनेडा की आर ने तीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यानी भारतीय बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को निजर के कत्ल के सिलसिले में पकड़ा था अभी तक हमें कुछ पता नहीं कि उस आ, की तहकीक़ात किस तरफ जा रही हैं और फिर ये कि अब ये इस तरह की बमशल ख़बर आई है तो इस ख़बर ने ना सिर्फ ये है कि कैनेडा भारत के रिश्तों को हला दिया है जो पहले ही हिले हुए थे बल्कि उससे जो इंडो कनेडियन कम्युनिटी है जो यहाँ पे डेढ़ से दो मिलियन लोग बसते हैं वो भी हिल गए हैं क्योंकि दोनों देशों से प्यार करते हैं दोनों डेमोक्रेसीज हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक और आ, इंडो कैनेडियंस के लिए प्रिसाइजली एक बड़ी ही सैड खबर है और इसको हम थैंक्स गिविंग डे के दिन के मौका पर सुन रहे हैं और जो आपका बुनियादी सवाल था कि क्या डिप्लोमेट्स भारत ने खुल वापस किए थे क्या कैनेडा ने निकाले हैं अब ये देखिए ये मज़ीद सिलसिला आगे बढ़ेगा पिछले साल भी ऐसा हुआ था अब यहाँ पे जिस तरह टॉप डिप्लोमेट्स को भारत ने निकाला है या कैनेडा ने उनको एक्सपेल किया है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई टॉप डिप्लोमेट्स नहीं रहेगा इतनी बड़ी कम्यूनिटी है भारतीय नजाद डायस्पोरा की तो कैसे निज़ाम चलेगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बुरी खबर है और काफी धचका देने वाली खबर है चलिए अभी आपने जैसा कि कहा वैसा ही आज आर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इंडिया के डिप्लोमेट्स कनाडा में साउथ एशियन गैंग्स के जराइम में भी इन्वॉल्व थे आप इस मामशैल खबर को कैसे देखते हैं ये वाकई बड़ी अजीब व गरीब ख़बर है आर सी एम पी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही हुई जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत हमारे साथ तामन नहीं करती फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो गैंग्स हैं जो साउथ एशियन बैकग्राउंड के गैंग्स हैं उनमें भी भारतीय हुकूमत के जो डिप्लोमेट्स हैं उनका उनकी इन्वॉलमेंट है तो अब आर की उस ख़बर को सुनने के बाद मैंने भी सोचा और मैं आ, सिटी टी पे वी एक न्यूज़ टॉक भी आज ही देख रहा था जिसमें एक आ, प्रोफेसर साहबा कह रही थी कि ये उनके लिए भी हैरत है क्योंकि आर ने कोई आ, सबूत नहीं दिए या कोई एविडेंसेस नहीं दिए या कम से कम कोई लिंक नहीं बताए एक स्वीपिंग सी स्टेटमेंट लगती है तो ये वाकई बड़ी मुश्किल बात है हाजम करना कि इंडियन डिप्लोमेट्स अपने देश के हवाले से आ, अगर कुछ यहाँ पे लॉबिंग कर रहे थे जो कि हर देश के डिप्लोमेट्स करते हैं लेकिन क्या वो यहाँ के जो गैंग्स हैं उनके साथ वो कर रहे थे आ, अपना आ, काम कर रहे थे उनके साथ मिलके अच्छा नहीं फिर फिर मसला ये है कि ये बात तो एक्चुअली इंडिया कहता चला आया है कि जो हमारे क्रिमिनल गैंग्स हैं उसको आप कैनेडियन यानी कैनेडा वाले उनको एकोमोडेट करते हैं और उनको संभाले हुए हैं और वो इंडिया कह रहा है मुसलसल कि जनाब आप जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इसके नतीजा में आपके देश में प्रॉब्लम्स आएगी अब वही बात जो इंडिया कैनेडा से कह रहा था अब उल्टा कैनेडा इंडिया से कह रहा है तो देखिए बात यह है कि यहाँ कैनेडा में जो इस वक्त वाकई साउथ एशियन गैंग्स भी हैं दूसरे देशों के गैंग्स भी हैं अगर वो सब के सब यहाँ पे काम कर रहे हैं और कैनेडियन सरकार इतनी ही हम कैनेडियंस को महफूज रखने में आ, कासर है यानी वो हमको महफूज नहीं रख सकती नाकाम है तो ये हम कनेडियंस का मसला है ये हम कनेडियंस को पूछना चाहिए कि भई आप फिर इतने ही नाअहल हो हमारे बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कनाडा की लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियां पर खर्च हो रहे हैं तो फिर वो क्या बाहर की जो हुकूमतें हैं उनको रोक नहीं पाती यहाँ चाइना के हवाले से ख़बरें अक्सर आती हैं कि चाइना के जो फॉरेन पुलिस स्टेशन हैं जो एक खास कहा जाता है कोट एंड कोट वो कैनेडा में भी काम कर रहे हैं अच्छा उसमें कोई कनेडियन सरकार का इतना हल्ला गुल्ला सामने नहीं आता भारतीय कम्यूनिटी भी सोचती है मैं भी एक जर्नलिस्ट होने के नाते सोचता हूँ कि आफ्टर ऑल कैनेडियन सरकार और जस्टिन ट्रूडो की सरकार ज़ाहिर है जस्टिन ट्रूडो जिस तरह चाहेंगे उसी तरह लॉ इन्फोर्समेंट अपना नेरेटिव बनाएंगे मगर लॉ इन्फोर्समेंट का जो नेरेटिव है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत में शेडी सा नजर आता है कोई इतना सॉलिड नजर नहीं आता उसके पीछे लगता है कि पोलिटिकल मोटिव ज्यादा हैं जो साफ महसूस हो रहा है चलिए अब इस तमाम सूरत हाल में क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से ये बात बहुत नोटिस कर रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के तलुक बहुत स्ट्रेनियस हैं तो क्या आपको ये ताल्लुक बेहतर होते नज़र आते हैं हाँ देखिए मैंने एक आसी भरी दुख होता है दोनों डेमोक्रेसीज हैं कैनेडा हमारा देश है आ, मतलब मैं जाती तौर पर मुझे कनाडा से बेपना प्यार है भारत हमारी सिविलाइजेशन है मुझे वो भी अच्छी लगती है दोनों डेमोक्रेसीज हैं और ये जो इनके रिश्ते ख़राब हम होते देख रहे हैं मुसलसल कई सालों से और ख़ास तौर तो पर जब से प्राइम मिनिस्टर टूडो आए हैं तो उसमें पोलिटिकल मोटिवस भी नज़र आते हैं और दुख होता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कैनेडा के चाइना के साथ इतने खौफनाक हुए मामलों पिछले दोनों जैसे वो चाइना की वो सी एफ ओ थी आ, इसकी हवाए जो उनकी कंपनी है आ, मैं अगर ठीक से नाम ले रहा हूँ तो उनको कैनेडा ने हाउस अरेस्ट किया हुआ था अमेरिका के कहने पर तो फिर अमरीक फिर सॉरी चीनीों ने हमारे दो डिप्लोमेट्स को आ, डिप्लोमेट्स नहीं मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारे दो शहरीों को पकड़ लिया उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये जासूस हैं और हती कि उनको फांसी की सजा दे दी और फिर वो जैसे माफ़िया का खेल होता है ना कि एक जहाज़ सी एफ ओ जो थी चाइनीज़ हाई प्रोफाइल मिस मैंग उसको लेके गया और उसी वक्त एक जहाज़ कनाडा का उन दो कैनेडियंस को लेकर आया आ, जो आ, जिनको फांसी की सज़ा हो गई थी तो इतने बुरे तल्लक के बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि कनाडा और चाइना ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया हो या किसी ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया हो इतने शदीद बुरे हालात के बावजूद इतना वो माफिया स्टाइल एक्सचेंज था और भी इतने मसाइल हैं अभी रशिया और कनाडा के तलक़ा यूक्रेन जंग की वजह से भी काफ़ी ख़राब हैं इनके डिप्लोमेटिक तल्ल भी ख़राब हैं मगर इस लेवल की खबर नहीं आई हालांकि ना चाइना डेमोक्रेसी है ना रशिया डेमोक्रेसी है लेकिन भारत के साथ ट्रेड भी चल रहा है कनाडा की इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पर भारतीय नजात के लोगों के बिलियज एंड बिलियंस डॉलर के बिजनेसिस हैं और डेढ़ से दो मिलियन लोग बसते हैं मगर इसके बावजूद क्या वजह है ये अब सवाल उठता है हम कैनेडियंस के लिए कि टूडो सरकार जो है इतना खौफनाक एन्वायरमेंट बना रही है एक डेमोक्रेसी यानी भारतीय डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ तो आफ्टर ऑल जब हम चाइना के साथ रिलेशनशिप देखते हैं रशिया के साथ देखते हैं तो ये वाली नोयत वहाँ भी नहीं आई जो डेमोक्रेसीज भी नहीं है तो अब क्या बेहतर होते नज़र आ रहे हैं अभी तो ख़राब हो रहे हैं मुसलसल ख़राब हो रहे हैं और इस वाक के बाद और खराब होंगे अभी तो डिप्लोमेट एक्सपेल करने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और फिर उसके बाद जाहिर है आ, मुझे तो ये खदशा है कि कहीं सफारतखानों के काम में ही रखना ना पड़ जाए और इतनी बड़ी कम्यूनिटी है आ, और इन दोनों मुल्कों के बीच इतना बड़ा आ, ट्रेड भी है और ये पिछले चंद सालों से मसलसल ऐसा ही हो रहा है मेरा ख्याल ये वन आफ्टर एक दूसरे को ये थ्रेट का सिलसिला जो कि बहुत ही परेशान कुन है बहुत से लोगों के लिए चलिए अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान में एस सी ओ का समिट हाई अलर्ट सिक्योरिटी में हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं देखिए पाकिस्तान में ये एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान में जो सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं ड्यूरिंग द पास्ट मेनी इयर्स कोई इस तरह का बड़ा इवेंट वहाँ होता ही नहीं कोई हेड ऑफ द स्टेट भी वहाँ पर जाना चाहे तो वो भी अपने दौरे मनसूख कर देते हैं सऊदियों ने अपने दौरे मनसूख किए अमाराती भी जो हाई प्रोफाइल दौरे हैं उस तरह नहीं हुए अमरीकी भी नहीं जाते इवन चाइनीज़ भी नहीं जाते तो इस सारी सूरत हाल में अब ये एस सी ओ का समिट जिसमें बहुत सारे देशों के आ, जो हैं लोग आ रहे हैं जैसे चाइना रशिया इनके प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं आई डोंट थिंक सो के मिस्टर जी पहुँच रहे हैं वही इंपॉर्टेंट हैं चाइना में इसी तरह रशिया में व्लादिमिर पुतिन इम्पॉटेंट है वो तो नहीं जा रहे लेकिन जा रहे हैं वहाँ पर रशिया के प्राइम मिनिस्टर इसी तरह सेंट्रल एशियन स्टेट्स के वो शायद हेड ऑफ़ द स्टेट जा रहे हैं भारत के फॉरन मिनिस्टर जा रहे हैं तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी ख़राब है अभी दो हफ्ते पहले कराची में चाइनीज़ को मार दिया बी एल ए वालों ने और फिर टी टी पी के वहाँ हमले होते रहते हैं फिर अभी ये पश्तूनों का वहाँ पर जरगा हो रहा था तो पहले दिन ही आपस की लड़ाइयों में कोई चार पाँच लोग मारे गए तो सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ख़राब है तो इस सारी सूरत हाल में हाई अलर्ट बिल्कुल है सिक्योरिटी वहाँ पर और हकूमत की कोशिश है कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में इमेज को बेहतर करने का कोई एक मौका हाथ आया है तो हम उसको हाथ से न जाने दें मगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल भी बहुत डामाडोल है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां भी जो खासतौर पर अपोजिशन में हैं खुश नहीं हैं और ज्यादातर वो पीटीआई के लोग हैं और इस सारी सूरत हाल में आ, बहुत आ, हाई सिक्योरिटी है अब हम देखेंगे कि अगले दो रोज में Uh, कैसे पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने में कामयाब रहता है और कैसे इस समिट को ठीक ठाक तरीके से uh, में, होने में यानी कामयाब होने में कामयाब होता है चलिए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की इस समिट में शिरकत पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है इस समिट के हवाले से आप क्या अहम पेशर होते देखते हैं देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एस समिट में जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उनकी मिल मिला के कुछ पॉपुलेशन दुनिया की फोर्टी परसेंट बनती है इंडिया है चाइना है दुनिया के दो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं पाकिस्तान भी पाँचवा छठा पॉपुलर्स दुनिया का देश है फिर सेंट्रल एशिया के देश हैं बेलारूस भी आ गया है आ, और भी कई देशों के इसमें आएंगे नुमाइंदे आएंगे ईरान इर, की इसमें पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है चूंकि ईरान और इसराइल बिल्कुल जंग के दहाने पर खड़े हैं तो इस समिट में एक पेशर रफ्त तो ये होगी कि ईरान अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस फोरम पे रखेगा और इस फोरम को अपने साथ ओन बोर्ड लेने की कोशिश करेगा क्योंकि बड़ काफ़ी मुश्किल काम होगा लेकिन बहरहाल ईरान की आवाज़ पहुँचेगी दुनिया तक इस फोरम के ज़रिए यह एक अहम पेश रफ्त है दूसरी जो अहम पेश रफ्त है वो भारत के फ़ारन मिनिस्टर का पाकिस्तान जाना है अगरचे जब भारत में हुआ था सी ओ का समिट तो पाकिस्तान के भी फ़ॉन मिनिस्टर गए थे तो इस हवाले से भारत के फ़ॉन मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब हम पाकिस्तान जब जा रहे हैं तो मल्टी लेटरल टॉक के लिए जा रहे हैं कोई पाकिस्तान के साथ टॉक के लिए नहीं जा रहे फिर भी पेशरफ है लेकिन आ, मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर जो इम्पॉर्टेंट पेशरफ होगी अगर पाकिस्तान भारत के हवाले से अपने जो है ना कश्मीर के रेटर को वो ना दोहराए अगर दोहराएगा चूंकि मल्टी फोरम है भारत उसको पसंद नहीं करेगा तो ये अच्छी पेशरफ नहीं होगी अगर पाकिस्तान उस आ, रेटर को इस बार इस मौका पर ना दोहराए तो फिर ये एक अच्छी पेशर रफ्त हो सकती है दोनों मुल्कों के आ, बीच में अब चीन रूस ईरान सेंट्रल एशिया के मुल्क आपस में क्या बातचीत करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ पे क्या बातचीत करते हैं ये बातचीत जो है जैसी भी बातचीत होगी ये बहरहाल दुनिया में एक नई नरेटिव को बनाने में एक पेशर रफ्त होगी चलिए जैसा कि आपने बात की इसी पे एक सवाल कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ही पश्तूनों का एक जरगा हुआ जिसमें पी और पी एक पेज पर नज़र आए इस जटगे में क्या अहम एलानात हुए जैसा कि आपने पहले ही कहा कि कुछ खतरा है तो आप बताइए इस पर रोशनी डालिए देखिए ये जो मतलब तो, तो, पीटीआई की आपने बात की और पीटीआई तो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में दफा 144 نافذ है पीटीआई के लिए तो दूसरा नाम हो गया है ना कि इन्होंने ही आगाज किया तदरणों तो का आ, आ, जी वो तो खैर अलग बात है तो अब पी टी आई कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे इसलिए कि ये हमारे इमेज का मसला है हमने दफ़ा 144 लगाई हुई है तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते मगर पी टी आई चाहती है कि इस मौका पे इंटरनेशनल मीडिया पे उनकी ख़बर बने अच्छा जो पश्तूनों का जरगा हुआ है वहाँ पे आ, खैबर पखतूनखा के इलाकों में आ, और उसमें जो वहाँ पर खैबर पखतूनखा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पी टी आई के चीफ मिनिस्टर हैं अब मैं ये समझता हूँ कि शायद पी और पी पीटीएम पी जिसको बैन किया पी जिसको बैन किया था आ, पाकिस्तान की आ, सरकार ने वो बैन भी कायम है आ, मगर उनको इजाज़त भी दे दी पाकिस्तान की फेडरल सरकार ने और उन्होंने अपनी मुखालफ जो सूबे की सरकार है पी टी आई की सरकार है उसके ही चीफ मिनिस्टर के ज़रिए उनको इजाजत दी खैर मैं समझता तो हूँ कि किसी भी देश में सेंटर और सूबे में सरकारें डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन उनको काम तो बहर एक दूसरे के साथ करना पड़ता है खैर तो अब जो पी टी एम और पी टी आई की आपने बात की एक पेज पर पे होने की तो उनकी एक पेज पर पे उस तरह की सिचुएशन तो नहीं है लेकिन चूंकि जो फेडरल की सरकार है उन्होंने पी टी एम को भी तंग किया हुआ फेडर की जब हम सरकार कहते हैं तो जो मुसलसल चले आने वाली सरकार है वो तो पाकिस्तानी फौज है पाकिस्तानी फौज की हुक्मरानी में जब इमरान ख़ान वज़र थे तब भी पी टी एम के ख़िलाफ़ ये कारवाइयाँ होती थी अब शहबाज शरीफ हैं तो तभी पी टी एम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं तो पी टी आई अब अपोजिशन में है पहले जो सरकार में थे तो पी टी आई और पी टी एम के एक पेज होने की जो बात है वो एप्परली किसी हद तक है भी और नहीं भी है इसलिए कि पी टी एम भी आ, पी टी एम के साथ नहीं जा सकती और पी टी एम भी पी टी ए, ए, पी टी आई के साथ नहीं जा सकती चूँकि दोनों के मंशूर और दोनों का तरीक़ाकार अलग अलग है लेकिन चूंकि ये जरगा उस सूबे में हुआ है जहाँ पर पी टी आई की हकूमत है तो पी टी आई को उनको फैसिलिटेट करना है तो इसलिए पी टी आई ने उनको फैसिलिटेट किया और मेरा ख़्याल है वफाकी हुकूमत ने इस जरगे को कामयाबी सोने दिया जहाँ तक ये आपका सवाल के अलानात क्या आए हैं अभी आपने बात ये भी पूछी थी तो ऐलाना सबसे इम्पोर्टेंट ये हैं कि पी टी एम ने इस जरगे में पश्तूनों के जरगे में अपनी जो है एक तरह से ओवर वेलमिंग जो मेजोरटी है यह ओवर वेलमिंग कंट्रोल दिखाया और मंजूर पश्तन का ही इसमें जो ख़ता था वो इम्पोर्टेंट था उन्होंने यही कहा कि ऐलान जो सबसे अहम है और पाकिस्तान की रियासत के लिए ख़तरनाक भी है उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की फ़ौज इंटेलिजेंस एजेंसियाँ चंद महीनों के अंदर अंदर खैबर पख्तनखा के सूबे से निकल जाएँ जो हमारे वो हुए हुए हैं लोग लापता हुए हैं उनको भी छोड़ दिया जाए जो हमारे लोग कतल हुए हैं उनके ख़िलाफ़ जन जो कुतें पीछे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो हमारे हमारे मिसप्लेस पीपल हैं वो लाखों में हैं उनकी आबादकारी की जाए तो अब मंजूर पश्चिम का ये कहना कि फौज निकल जाए उनके सूबे से इस पर अमली तौर पर अमल होना बहुत मुश्किल है लेकिन ये लगता है कि पाकिस्तान की रियासत ने आ, किसी तरह से पी टी आई की आ, सूबे की सरकार की मदद से पश्तूनों को थोड़ा सा डाउन किया है है तो देखते हैं आने वाले में किस तरफ को जाती है। पाकिस्तानी रियासत के बलोचों के साथ भी अच्छे ताल्लुक नहीं है और पश्तून भी अरसा दराज से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान की रियासत अपने दो सूबों को मुतमिन कर पाएगी देखिए मुतमिन तो नहीं कर पाएगी इसलिए कि पाकिस्तानी रियासत जैसा कि मैंने पीछे कहा वो पाकिस्तान आर्मी चलाती है और पाकिस्तान आर्मी की जो पॉलिसियाँ हैं वो वही हैं जो साल हर साल से चली आ रही हैं वो तब्दील होती तो नज़र नहीं आ रही उन्हीं पॉलिसियों की वजह से बलोच भी नाराज़ हैं बलोच तो अपने आप को कहते हैं जी कि हमारा आपका जो ये जो इलाका है ये आपका सूबा ही नहीं है ये तो हमारा मुल्क है आपने कब्ज़ा किया हुआ है अब पश्तून भी कुछ सालों से यही बातें कर रहे हैं अभी इवन जरगे में वो कुछ काम डाउन थे मगर इसके बावजूद झरगे में यही बातें हुई कि जी पश्तूँ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के एक ही की हैं और हमारी ये जो बाउंड्री लाइन है या ये जो सरहदें हैं इसको हम नहीं मानते वगैरह वगैरह तो बिल्कुल मुतमिन नहीं कर पाएगी रियासत क्योंकि रियासत की पॉलिसियाँ वही हैं जो साल साल से चली आ रही हैं और ये वही पॉलिसियाँ जिनकी वजह से पश्तून भी नाराज़ हैं और बलोच भी नाराज़ हैं तो वो कैसे मुतमिन कर पाएगी या तो पॉलिसियाँ बदले पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान आर्मी अपनी पॉलिसियाँ बदलती नजर नहीं आ रही इसलिए वो मुतमिन नहीं कर पाएंगे चलिए अब मेडिल की तरफ चलते हैं एक तरफ तो इसराइल का कहना है कि वह ईरान पर हमले की तैयारियाँ कर रहा है दूसरी तरफ हिजबुल्ला के साथ जंग छिड़ी हुई है इन हालात में इसराइल ईरान पर किस नौयत का हमला करेगा देखिए इसराइल ईरान पर जो अपनली दिख रहा था वो तो हमला करना चाहता था उसकी न्यूक्लियर तनसीबात पर अगर वो नहीं तो उनके तेल के जो हैं फैसिलिटीज उनके ऊपर अब ये दोनों बड़ी खतरनाक बात है अमेरिका की भी उतनी नतन नहीं सुन रहे लेकिन अमेरिका नतनजहू तो के साथ मुकम्मल तौर पर या इसराइल के साथ एटलीस्ट ऑन बोर्ड भी है सारा असला अमरीका से जा रहा है सब कुछ वैसा ही चल रहा है तमाम तर अमरीका की जो एपरेंट दिखाई देने वाली नाराज़गी के बावजूद लेकिन अब इश्यू ये है कि ये वाकई डीप कंसर्न है कि क्या इसराइल ईरान की जो एटॉमिक फैसिलिटीज हैं जो उनकी तंसीबात इंस्टॉलेशन हैं उस पर हमला कर सकेगा क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक मामला है वो बहुत सुना है ख़बरों के मुताबिक वो बहुत डीप अंदर अंडरग्राउंड है तनसीबा तो उससे बहुत और खराब होंगे फिर अभी तो ईरान ने भी बहुत हो जी अभी तो ईरान ने एटम बम यही कहना है कि हमने नहीं बनाया लेकिन हम बनाने के करीब हैं फिर तो ईरान को कोई रोक नहीं सकेगा फिर ईरान ने अगर एटम बम वो तो कहते एक हफ्ते में बना लेगा तो फिर ये यह भी होगा हाँ, ये सब चीजें तो, इसलिए अब तो तो इस हमले को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया जो ईरान ने इसराइल पे किया था तो इसराइल अब वेट कर रहा है चूंकि इसराइल भी अब देख रहा है दूसरी तरफ आपने कहा कि हिजबुल्ला के इलाक़ों में इसराइल घुसा हुआ है और वहाँ पर जहाँ वो बमबारी कर रहा है इसराइल वहाँ पर आम लबनानी भी मर रहे हैं हिजबुल्लाह के लोग भी मर रहे हैं और इसराइली फ़ौजी भी मर रहे हैं ये अब इसराइल के ऊपर और प्रेशर आएगा अच्छा जहां तक उनकी तेल की तनसीबा पर हमले का मामला इसमें पूरी दुनिया परेशान है अगर तेल की तनसीबा पर हमला हुआ तो ईरान ने धमकी दी है कि वो फिर अमीरात्स की और सऊदियों की कतर की उनकी तेल की तनसीबत पर हमला करेगा चूंकि ईरान का ये कहना है कि इसराइल के जहाज अगर हमला करेंगे ईरान के ऊपर तो वो इन मुल्कों के ऊपर से गुजर के आएंगे तो ये मुल्क उनको परमिशन ही ना दे एयर स्पेस है उसकी राइट है कि वो आपको रोक दे तो वो ईरान के फॉर मिनिस्टर ने दौरा भी किया सऊदी अरब का उन्होंने कहा है कतरियों से भी सऊदियों से भी अमारातियों से भी कि भाई आप इस जंग में खामोश नजर आ रहे हैं आप ये ना समझें कि अगर हमारे ऊपर बड़े लेवल का हमला हुआ तो आप इस जंग से बच जाएंगे तो फिर बहुत नुकसान होगा तो जब ये फिर उन्होंने ये कहा है कि अमरीकी फौजी जहाँ भी हैं अमरीकी अड्डे जहाँ भी हैं जो सारे मिडल ईस्ट में हैं तो ईरान ने कहा हम फिर उन पर हमले करेंगे तो अब वो अरब भी उठ खड़े हुए हैं उन्होंने कहा भाई ये तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी तो इस सूरत हाल में अब इसराइल भी सोच रहा है कि भाई मैं अगर एटमी तनसीबात पर हमला करूँगा तो भी मसला है अगर मैं ये तेल की इंस्टॉलेशन पर हमला करूँगा तो भी मसला है अगर मैं ईरान के अंदर जा के हमला करूँगा किसी और तरह का तो भी मसला है तो अब अभी तक तो इसराइल कैलकुलेट कर रहा है या रुका हुआ है और दूसरी तरफ यह है कि हिजबुल्ला के साथ भी इसराइल के जो है जंग की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है हमास के भी अटैक उनके ऊपर हो रहे हैं छोटे मोटे राबटों के और इसराइल के ठीक ठाक जवाब अटैक हो रहे हैं एज जूझल तो इस सारी सूरत हाल में ये जो जंग है ये बड़ी ख़तरनाक है इसमें अब अमरीका को अरब देशों को ईरान को भी रोकना होगा को सबके सब के लिए कुछ बेहतर में पहुंच जाएगी तो चलिए आते हैं अमरीका मनसूबा सामने आया है इस किस्म की फिजा में अमरीकी जमहरीत और इलेक्शन आपको किस तरफ जाते नजर आते हैं जी देखिए अमरीकी जमहूरियत में इस तरह के वाकियात दहाइयों से हो रहे कई अमरीकी सदूर पे अटैक्स हो चुके हैं Uh, कईयों पर जो कैंडिडेट्स हैं उन पर अटैक हो चुके हैं सदर ट्रम्प पे आ, ये जो आ, है तीसरा कातलाना हमला एक में तो गोली लगी उनको दूसरे में उनके गोल्फ कोर्स में आदमी छुपा हुआ था और तीसरे में अब ये जो वाक़ हुआ है उसमें एक आदमी को पकड़ा है अमेरिकन ने तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी में जैसा मैंने पीछे कहा कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है अब इलेक्शन भी बिल्कुल सर पे आ रहे हैं एक महीने से कम का अर्सा रह गया बल्कि चंद दिन रह गए अब तो तो ये जो कातलाना हमला का एक प्लॉट पकड़ा गया है हुआ तो नहीं कातलाना हमला लेकिन एक प्लॉट पकड़ा गया है इससे सदर ट्रंप को पॉलिटिकली कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आ, लेकिन चूंकि इतना नेक टू नेक मुकाबला है ट्रंप और कैमला हैरिस का कि वो बस पॉइंट वन परसेंट वाली सिचुएशन है और मैं कई शोज़ में मुसलसल कह चुका हूँ कि इलेक्शन जो आगे आ, होने जा रहे हैं पाँच नवंबर को अमेरिका में इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही हल्की सी मेजॉरटी मेजोरिटी तो नहीं कहना चाहिए आ, हल्की सी स्पिन के साथ शायद सदर ट्रम्प दोबारा से सदर बन जाए आ, लेकिन अमरीका का निज़ाम सदर ट्रम्प बनते हैं कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट से अगर प्रेसिडेंट बनती हैं तो अमेरिका का निज़ाम और अमेरिका की जमहूरीत ऐसी ही रहनी है वाइब्रेंट भी है ख़तरनाक भी है और फिर अमेरिका दुनिया का पुलिस मैन भी है और उस पुलिस मैन होने के नाते अमेरिका की ये वाली पुलिस मैनशिप जो है इंटरनेशनल स्टेज पर वो बरकरार रहेगी आज का बिला तो कर तबसरे करने का बहुत शुक्रिया व्ययर्स हम आपके पास इसी तरह के बिला तकल्लुफ तबसरे लाते रहेंगे आज का शो मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं subscribe tag tv youtube channel and press the notification button